पर नवल किशोर यादव जी, लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो क्या जितने सांसद हैं ऑपोजिशन के, क्या उन्हें रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? क्योंकि प्रिविलेजेस तो आप सारे ले रहे हैं सांसद होने के, काम आप कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जी तो है ही नहीं, संसद में नजर ही नहीं आते, और उनकी परफॉर्मेंस मैंने बता दी है कि इस सदन में, इस सत्र में कितनी रही है। तो मेरा सवाल आपसे इतना ही है कि आपको सांसद बनाया गया है जनता के मुद्दों के लिए या सिर्फ अपनी नूरा कुश्ती के लिए ताकि आपकी राजनीति चमकती रहे? कौन है ये? आप पकड़ में आया है कि ये तीसरा कौन है जो रोटी से खेलता है? वो ना बेलता है ना खाता है, सिर्फ रोटी से खेलता है। तो आपको परेशानी है, और परेशानी आपकी इतनी हुई कि पूरे संसद में सारे दल के लोग हैं, आपने एक व्यक्ति का चुनकर बताया कि वो संसद में कितने दिन जाते हैं, कितने सवाल पूछते हैं, कहां कहां रहते हैं। नरेंद्र मोदी के विषय में भी आपने कुछ नहीं बोला, बाकी नेताओं के विषय में आपने कुछ नहीं बोला। तो आपका भी एक सेट एजेंडा है प्रोपेगेंडा का, जो आप करती रहती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। दूसरी बात यह है कि जब आप अडानी की बात करते हैं तो ये सवाल विपक्ष ने शुरू नहीं किया, ये सवाल पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना कि ये जो अडानी है उनकी जो ग्रोथ हुई है उसमें फ्रॉड और मैनिपुलेशन है, और इसके आधार पे संसद में विभिन्न दलों के लोगों ने, विपक्षी दलों ने आवाज उठाया, और उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति गठित की, सेबी को भी निर्देश दिया। अब आप ये बताइए कि जो सांसद मांग कर रहे थे विपक्षी दल कि जेपीसी होनी चाहिए, और आपको मालूम होगा कि जयप्रकाश नारायण ने एक समय में बोला था कि भ्रष्टाचार का जो सबसे खतरनाक रूप है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, ये फंस गया। इसलिए अगर भ्रष्टाचार को दूर, गंगा को साफ करना चाहते हैं तो गंगोत्री से साफ होनी चाहिए। ये गंगोत्री की सफाई संसद में जो गठित जेपीसी है वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आप मुझे कह रहे हैं मैं प्रोपेगेंडा करती हूँ, राजनीतिक भ्रष्टाचार में किसको सबसे बड़ी उपाधि मिली हुई है ये आप जानते हैं कि नहीं? लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से आप आते हैं, वो कन्विक्टेड नेता है। आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या होता है, गजब बेइज्जती है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि मैं प्रोपेगेंडा करती हूं, राहुल गांधी सिर्फ के बारे में बात कर रही हूं। माफ कीजिएगा, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि पूरे देश में सब पार्टियों को मिलाकर हम ही एक ऑपोजिशन की नेशनल पार्टी है, तो मैं क्यों राहुल गांधी पे सवाल ना पूछूं? आप भी तो पीछे खड़े होते हैं ना उनके हर प्रोटेस्ट में, कभी मैंने नहीं देखा कि आरजेडी आगे जा रहा है, हमेशा कांग्रेस के पीछे आप चले जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दिल्ली में कांग्रेस और बिहार में आप आगे, लेकिन आपको फिर भी बैसाखी चाहिए कांग्रेस पार्टी की। तो नवल किशोर यादव जी, जितनी आपकी राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है उतना मेरा जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है, तो मुझे प्रोपोगैंडिस्ट कहने से पहले थोड़ा अपने गरेबान में झांक लीजिए, और अपने आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। आप मुझे भ्रष्टाचार पर लेक्चर देने से पहले अपनी पार्टी के चीफ का, अपने पार्टी के चीफ का बायोडेटा निकाल कर पढ़ लीजिए। दूध का दूध, कम से कम आप प्रोफेसर हैं तो सही लेसन पढ़ाया करिए। मैं आपकी स्टूडेंट बन जाऊंगी, लेकिन प्रोफेसर साहब लेसन सही पढ़ाया करिए, गलत लेसन मत उठाया करिए।